नमस्कार, एनएलआई 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा भारत देश आज राममय होता नजर आ रहा है। जी हाँ, इसी के क्रम में झांसी में भी आज कुछ अनोखा मंजर देखने को मिला, जिसके तहत पूरी झांसी अयोध्या बनी हुई दिखाई दी। और इसके क्रम में क्षेत्र के लक्ष्मी मंदिर से एक रामधुन यात्रा निकाली गई। इस रामधुन यात्रा में अयोध्या में बने राम मंदिर का मॉडल भी पेश किया गया। हजारों की तादाद में सम्मिलित हुए राम भक्त महिलाएं, पुरुष और बच्चे पूरी तरह से राममय होते नजर आए और नारों से पूरे झांसी को गुंजायमान कर दिया। इस रामधुन यात्रा के आगे आगे भगवान राम के भक्त हनुमान जी का भी एक झांसी के रूप में प्रदर्शन देखकर लोगों में राम भक्ति का जोश जाग उठा। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 18 जनवरी को हमने झांसी को अयोध्या बनाने का आह्वान पूरी झांसी ने किया था। कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा आज यह रामधुन यात्रा का आयोजन हमने किया है और काली मंदिर से राम जानकी मंदिर मेहंदीबाग पर इनको संपन्न कर रहे हैं। पूरे झांसी की जनता इसमें उमड़ कर आई है। आज झांसा लग रहा है कि झांसी अयोध्या बन गया है। जो नारा लग रहा है, झांसी बना अयोध्या धाम, जय श्री राम जय श्री राम, इसमें मुख्य आकर्षण हमारे तीन बड़े हनुमान जी हैं जो मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। हमारे इसमें राम जी का जो मॉडल का मंदिर है अयोध्या में, वो मंदिर हमारी यात्रा के साथ चल रहा है और हजारों की भीड़, 20 से 25 हज़ार आदमी इस हमारी यात्रा में शामिल हैं। पूरा झांसी महानगर ने भव्य स्वागत किया है। बहुत बहुत अभिभूत हूँ मैं। बोला तो रख लो, चल जा थोड़ा।